नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एस स्टडी पॉइंट में। आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो उसके जो यूनिट चल रही थी हमारी कौन सी थी, वो जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आज हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा है क्या है, ढाल विकास की संकल्पना। ठीक है, यानी कि कोई जो ढाल आपका होता है उसका जो है विकास कैसे होता है, उस पर जो है संकल्पनाएँ जो अलग अलग विद्वानों ने दी हैं, आज इस पर जो मुख्य संकल्पनाएं हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो तीन लोगों की संकल्पनाएं जो मुख्य हैं, पहली तो आपके डेविस की होगी। ठीक है, डेविस, इससे पहले आप पढ़ भी चुके हैं डेविस का जो अपरतन संकल्पना थी। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे पेंक के बारे में, पढ़ेंगे पेंक की संकल्पना क्या है, और दूसरा तीसरा क्या आपका एल सी किंग की संकल्पना देखेंगे हम कि इन्होंने कैसे बताया जो है ढाल का विकास जो होता है कैसे कैसे होता है समय के साथ साथ। ठीक है, तो देखते हैं डेविस ने क्या बोला। तो देखो, डेविस का जो मैंने पहले बताया था और पेंक का भी इससे पहले मैं बता चुका हूँ, तो आप पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि डेविस ने क्या कहा था और पेंक ने क्या कहा था, क्योंकि यहाँ पे उसमें जो है शॉर्ट फॉर्म में उसको बताया गया है केवल। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, डेविस का जो पहले हमने अपरदन चक्र की जो पूरी संकल्पना थी वो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है पेंक की अपरदन चक्र की संकल्पना थी बताई है वो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला वीडियो। ठीक है, तो डेविस ने क्या बोला, डेविस के अनुसार क्या है, डेविस ने जो ढाल पतन की संकल्पना का जो है प्रतिपादन किया इन्होंने। ठीक है, ढाल पतन यानी कि ढाल में जो गिरावट आती है उसी को जो है इन्होंने संकल्पना का मुख्य पार्ट है उसका ये। ठीक है, तो डेविस ने ढाल पतन की संकल्पना का प्रतिपादन किया और इन्होंने क्या बताया, जो अपनी भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना थी इन्होंने दी थी, ठीक है, डेविस की, उसमें क्या दर्शाया कि जहाँ पर ढाल अधिकतम होगा वहीं पर ढाल पतन की क्रिया क्या होगी, सर्वाधिक होगी। यानी कि जहाँ पर ढाल जो है अधिक होगा वहाँ पर जो अपरदन जो होता है, ठीक है, यानी कि ढाल पतन की क्रिया यानी कि वो अधिक होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रारंभ में जो नदियाँ कैसी होती हैं, युवा होती हैं, तो युवा नदियाँ क्या करेंगी, वो लंबवत अपरदन अधिक करती हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, युवा अवस्था में नदियाँ क्या है, उत्तलता युक्त ढालों का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या खास बात होती है, उत्तलता युक्त ढालों का निर्माण करती हैं, ये हमने आपको कब पढ़ाया था, डेविस की संकल्पना में बताया भी था। ठीक, और इसका रीजन क्या था, क्योंकि लंबवत अपरदन की जो दर है सर्वाधिक होती है इस अवस्था में, किस अवस्था में, जो आपकी युवा अवस्था होती है। ठीक है, फिर जल विभाजक क्या हो जाते हैं इस भाग में, इस अवस्था में विस्तृत होते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो हैं विस्तृत भागों में जल विभाजक जो हैं पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, प्रौढ़ावस्था आएगी, यानी कि सेकेंड स्टेज आएगी, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, डाउन वास्टिंग और बैक वास्टिंग सबसे अधिक प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन वास्टिंग व बैक वास्टिंग के प्रभाव में ढाल का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ढाल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, पतन का मतलब गिरावट आना उसमें, क्षय आना, तथा अवतल ढालों का विकास होता है, यानी कि जो ढाल के जो स्लोप होते हैं आपके उसमें क्या होगा, पतन आएगा। तो पतन आएगा तो उससे क्या हुआ, जो उत्तल ढाल थे प्रारंभ में वो क्या, किस तरह के ढाल बन जाएंगे, अवतल ढालों में जो है के रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिगर देख लेते हैं, फिगर में ये दिखाया गया सेम चीज कि कैसे होता है ये चीज। तो इससे पहले जो हमने पढ़ाया था उस टाइम पर भी आपको हमने दिखाया था फिगर बना करके, और फिगर तो आपको बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में, एग्जामिनर को समझाने के लिए। तो यही है, ये देखो आपका क्या है, ये डाउन वास्टिंग ही तो है, ये डाउन वास्टिंग हो रही है, और ये क्या आपकी हो रही है, बैक वास्टिंग हो रही है। तो प्रारंभ में क्या ऐसे होगी, फिर समय के साथ साथ घिसते जब अपरदन होते होते जो स्थलाकृति हो जाएगी, किस रूप में हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इस रूप में जो ये कुछ ऊंचे उठे हुए भाग मिलेंगे आपको, बाकी क्या बन जाएंगे आपके, बाकी जो आपके ये समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है, एक उत्थित भूखंड क्या बन गया आपका, समतल मैदान बन गया लगभग। तो इसी को तो भी बोलते हैं ढाल पतन। ठीक है, तो ये डेविस का जो है सिद्धांत आपका हो गया, डेविस ने जो संकल्पना बताई थी वो दो चीजों पर आधारित थी, क्या, डाउन वास्टिंग और बैक वास्टिंग पर। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि पेंक की संकल्पना देख लेते हैं, तो पेंक ने क्या बोला था, तो पेंक का देख लेते हैं हम, पेंक ने क्या बोला है, पेंक के अनुसार क्या है, पेंक ने बोला है ढाल प्रतिस्थापन की बात की थी उन्होंने,
वहाँ पर ढाल पतन था, डेविस ने क्या बोला, ढाल पतन बोला, अब इन्हें ढाल प्रतिस्थापन यानी कि स्लोप रिप्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं कि संकल्पना का जो है प्रतिपादन किया इन्होंने, ठीक है। फिर क्या है, पिंक के अनुसार क्या है, जब हमने पढ़ाया था आपको पिंक का, तो वहाँ पर बताया था स्थल रूपों का जो निर्माण होता है क्या होता है, वो बहिर्जात बल तथा अंतर्जात बल की विभिन्न दरों का जो है परिणाम स्वरूप जो है, या फिर विभिन्न दरों का प्रतिफल होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो भैया पिंक के अनुसार जो है स्थल रूपों का जो विकास है आपका, वो क्या है आपका अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों की विभिन्न दरों के अनुपात का क्या है, प्रतिफल है, ठीक है। तथा एंड्रम का निर्माण, तो हमने बताया था जब पिंक पढ़ाया था तो प्राइमारम से उसका स्टार्ट होता है और प्राइमारम से लेकर के अंत में क्या बनता है, एंड्रम को बनता है, ठीक है। तथा एंड्रम का निर्माण जो है ढाल विकास की तीन अवस्थाओं का प्रतिफल है, ठीक है। एंड्रम का जो निर्माण ढाल विकास की तीन अवस्थाओं का प्रतिफल है, यानी कि तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था उसमें चित्र में बना के भी दिखाया था कि तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, बाद में उन्हीं को हमने एक्सप्लेन किया था उसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको फिगर में, देख लेते हैं एक बार हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे आपको ये ढाल मिलेंगे, कौन कौन से ढाल मिलते हैं। तो पहला ढाल आपका कौन सा हो गया, ये वैक्सिंग स्लोप। तो वैक्सिंग स्लोप में क्या होता है, जो ढाल होता है कैसा होता है, उत्तल ढाल होता है, उत्तल ढाल ये, ठीक है, उत्तल ढाल है आपका ये। तो इसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग स्लोप, आपको चित्र से बना देना है वहां पर। फिर दूसरा आपका क्या मिलेगा, सम ढाल बनेगा। सम ढाल में क्या होगा, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पे ए बिंदु है, ठीक है, मान लो ये, तो दोनों के बीच में क्या समतल बनेगा, रेखा एक, ठीक है। ऐसे ये जो है ये, ऐसे ये, तो इसको क्या बोलेंगे, सम ढाल, ठीक है। जो आपका तीसरा होगा उसमें क्या बन जाएगा आपका, उसको बोलते हैं वैनिंग, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, वैनिंग स्लोप। वैनिंग स्लोप में क्या बनेगा, अब किस टाइप का बनेगा आपका, अवतल ढाल बनेगा। अवतल का मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सम ढाल हो गया, ठीक है। सम ढाल के बाद धीरे धीरे क्या किस टाइप का होगा, ऐसे बन जाएगा अवतल। फिर ये ऐसे से समय के साथ क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वैनिंग स्लोप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं छीन माय ढाल। तो हिंदी थोड़ा अजीब है इसकी, क्योंकि जर्मन है ये, तो जर्मनी वाली भाषा याद करो, नंबर भी अच्छे मिलेंगे और याद करने से भी बच जाएंगे अलग चीज़ों को। तो वही ये अलग चित्र भी बना सकते हैं आप एग्जाम में। यहाँ पर दिखाया गया है कि ढाल प्रतिस्थापन कैसे हो रहा है, यानी ये जो चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि ढाल का प्रतिस्थापन यानी समय के साथ कैसे हो रहा है। ये पीछे की ओर देखो आप हट रहा ना, ये पहले क्या ऐसे होगी घटी, फिर क्या होगा समय के साथ वो घट इतना हिस्सा अलग हो जाएगा और ये पीछे की ओर खिसक जाएगा, फिर क्या होगा ऐसे बन जाएगा, तो ये पीछे हिस्सा हट जाएगा, यानी ये हट रहा है, ये वाला हिस्सा जो है समय के साथ जो है हट जाएगा। तो उससे जो है समय के साथ जो किस टाइप का ढाल बन जाएगा आपका, जो ये आपका दिख रहा है वो ऐसे बन जाएगा ना, ये समय के साथ ऐसे। तो ये स्लोप जो तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे सेम ही तो बनेगा, ठीक है, यानी कि ये क्रिया होने के बाद ऐसा हो बन जाएगा। तो हमने वहाँ पे बताया था आपको क्या, जो ऊपर वाला हिस्सा हो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व ढाल बोलते हैं। गुरुत्व ढाल क्यों, क्योंकि ये खड़ा ढाल है ना, एकदम बिल्कुल खड़ा ढाल है, और इसको क्या बोलते हैं, वाश स्लोप, या फिर दूसरा इसको क्या बोलते हैं, वाश चुगेन, जर्मनी का शब्द है उसका क्या नाम है, वाश चुगेन, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप फिगर बना देंगे तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको आता है पिंक के बारे में, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, जो ये हमारा लिए नया है, क्योंकि इससे पहले हमने डेविस का पढ़ लिया और पिंक का भी पढ़ चुके थे। अब जो है ये हमारा, इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, एलसी किंग का। तो एलसी किंग के अनुसार क्या है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पेडी प्लेन क्रिया है, जो पेडी प्लेन यानी कि ये समतल मैदान बनता है हमारा, कोई जो पहाड़ी हिस्सा है वो घिस पिट करके अगर समतल मैदान बनता है तो उसका नाम इन्होंने क्या दिया, पेडी प्लेन नाम दिया इनको, इन्होंने एलसी किंग का नाम है क्या, इसका नाम दिया है एलसी किंग ने, पेडी प्लेन दिया। और ये क्रिया इन्होंने दो तरह से बताई, दो कारणों से यानी कि हुई, ठीक है, दो क्रियाओं का प्रतिफल है कहने का मतलब, ठीक है। एक क्या बताया इन्होंने, कगार निवर्तन। अब कगार क्या होता है, कगार आपका क्या होता है, खड़े ढाल जो होते हैं ऐसे, तो इसे ये आपका क्या कहलाएगा, कगार है ये, ठीक है। कगार मतलब खड़े ढाल, यानी कि 45 से 90 डिग्री का जो कोण होता है उसमें शामिल किया जाता है कगार को,
ठीक है, यानी किसी अगर कोई ढाल कगार है तो इसका मतलब उसका जो कोण होगा, एंगल होगा, वो कितना होगा, 45 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, फिर दूसरी इन्होंने किया क्रिया बताई, पेडिमेंटेशन बताई। पेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई कगार आपका ये है, मतलब आपको फिगर में दिखा देता हूँ, मान लो आपका ये कोई कगार है ये, ठीक है, फिर क्या हुआ, समय के साथ ये पीछे की ओर घटेगा अपरदन से, ठीक है, ये ऐसे बढ़ेगा, फिर एक समय का ऐसे हो जाएगा ये ऐसे, तो ये जो पीछे की ओर बढ़ रहा है ना ये, तो ये कैसे दिखेगा बाद में, ये ऐसे दिखेगा ना पीछे, बाद में ये दिखेगा, इसको हटा देते हैं मान लो, तो ये ऐसे दिखेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, ये जो नीचे बन रहा है आपका ये वाला एरिया जो डेवलप हुआ आपका, इसी को क्या बोलते हैं, पेडिमेंटेशन, पेडिमेंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेडिमेंटेशन, यानी कि जो कगार पीछे की ओर जाते हैं, कगार का निवर्तन होता है आपका ये, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पेडिमेंटेशन, यानी कि समय के साथ क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, ये जो पेडिमेंट आपका है, तो पेडिमेंट का बढ़ना ही क्या कहलाएगा, पेडिमेंटेशन। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या इन्होंने एलसी किंग ने बोला है, तो वही बोला है, एलसी किंग की पहाड़ी ढाल विकास की संकल्पना पेडी प्लेन के निर्माण से, यानी कि जो बनता है आखिरी में जो आकृति बनेगी, इन्होंने उसका नाम क्या दे दिया है, पेडी प्लेन के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, फिर पेडी प्लेन दो क्रियाओं का प्रतिफल होता है, पहली हमने क्रिया कौन सी बताई, कगार का निवर्तन, निवर्तन का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर हटना, दूसरी क्रिया क्या होगी आपकी, पेडिमेंटेशन। ठीक है, दो क्रियाएं आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर वही ढाल विकास के प्रारंभिक चरण में क्या होगा, अपक्षय, यानी कि जो इरोजन होता है आपका, अपक्षय, डेनुडेशन, सॉरी, अपक्षय को इंग्लिश में बोलते हैं डेनुडेशन, अपरदन को बोलते हैं इरोजन। तो प्रारंभ में क्या होती है, चट्टाने क्या टूटती फूटती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं आप, अपक्षय बोलते हैं। जब चट्टाने जो होती हैं प्राकृतिक कारणों से जो है टूट फूट जाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, अपक्षय हो जाती हैं वो। ठीक है, अपक्षय के कारण क्या होगा, कगार में पीछे की ओर क्या होगा, समानांतर निवर्तन होता है। अभी हमने दिखाया आपको कैसे पीछे की ओर जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, समानांतर निवर्तन। फिर कगार का यह समानांतर जो निवर्तन है, संपूर्ण ढाल को नियंत्रित करता है। ठीक है, संपूर्ण जो ढाल आपने देखा ना कितने खड़े होते हैं एकदम, तो पूरे ढाल को क्या करेगा, नियंत्रित करता है ये। ठीक है, फिर क्या है, मलबा ढाल पर जो है संतुलन की स्थिति रहती है। मलबा ढाल का मतलब क्या हुआ, जहां पे मलबा इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पे संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब क्या, जितना जो निक्षेपण हो रहा है, यानी जितना मलबा आ रहा है उतना ही मलबा जा भी रहा है, यही तो मतलब हुआ। संतुलन कब होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर जब हो। ठीक, अर्थात निक्षेपण व परिवहन की दर क्या है आपकी, समान है। ठीक है, फिर देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया कि निक्षेपण की दर है वो क्या है, समान है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे क्या उन्होंने बोला है, जो ढाल व परिच्छेदिका के ऊपरी भाग में, यानी जो ढाल आपका है, मान लो ये कोई ढाल है आपका ऐसे ये, तो ऊपरी भाग में परिच्छेदिका का ऊपरी भाग ही तो हुआ आपका। ठीक है, परिच्छेदिका के निचले भाग में विकसित अवतल पेडिमेंट की लंबाई में वृद्धि होती, कैसे हमने अभी आपको दिखाया, ये क्या होगा, समय के साथ पीछे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, कुछ समय के बाद ये यहाँ आ जाएगा, इसी को तो बोलते हैं कगार निवर्तन, यानी कगार का पीछे की ओर खिसकना। इससे क्या होगा, ये समय के साथ क्या होगी, ये लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, ये लंबाई क्या हो रही, बढ़ रही है, यानी ये पेडिमेंट की लंबाई क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ रही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ढाल परिच्छेदिका के ऊपरी भाग में पीछे की ओर निवर्तन के कारण ढाल परिच्छेदिका के निचले भाग में, यानी कि निचला भाग है, विकसित अवतल पेडिमेंट की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अवतल क्यों बोला, क्योंकि इसका जो ढाल है यहाँ पे नीचे का ढाल कैसा, ऐसा है ये अवतल, अवतल मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये उसके कारण का, फिर जिसके कारण कोण में क्या होगी, कमी आती है, जाहिर सी बात है कोण जो उसका ढाल निवर्तन हो रहा है तो समय के साथ क्या होगा, पीछे की ओर होगा। तो जो यहाँ पे अब पहले यहाँ पे चीजें कैसे कितनी खड़ी थी, अभी क्या हो गया, यहाँ का ढाल कैसा हो गया, कम हो गया, तो यानी कोण में क्या हो रही, कमी आ रही, यही तो वो मतलब हुआ। ठीक है, कमी आती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पेडिमेंटेशन बोलते हैं, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अंततः क्या होता है, पेडिमेंट संवर्धन
एवं कगार के समाप्त हो जाने पर अवतल ढाल वाली विस्तृत अपरदन सतह का निर्माण हो जाता है। यानी कि समय पहले जो ऐसे कभी ऐसे हुआ करता था वो समय के साथ कैसा बन जाएगा आपका, ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका, ढाल आपका समाप्त हो गया, अब पेडिमेंट का निर्माण हो गया आपका। और इसको इन्होंने क्या बोला है, जो समतल मैदान बना है, ये जो समतल लगभग समतल मैदान जो बना है आपका, ये ऐसे बनेगा, तो इसको इन्होंने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, पेडी प्लेन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एलसी जो किंग ने क्या बोला है, इसे पेडी प्लेन बोला है। ठीक है, इसके विकास तथा इसके दौरान ढाल विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया को क्रमशः क्या बोलते हैं, पेडी प्लेनेशन चक्र एवं पहाड़ी ढाल विकास चक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, तो उन्होंने पेडी प्लेन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे प्रोसेस को पेडी प्लेनेशन चक्र, यानी कि कैसे जो है पेडी प्लेन बना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, फिगर में भी देख सकते हैं फिर कैसे, देखेंगे मान लो कोई ये स्थल है आपका ये, ठीक है, ये स्थल हो गया, फिर समय के साथ स्टार्टिंग में ऐसी गहराई होगी, फिर समय के साथ क्या होगा, ढाल का क्या होगा, निवर्तन हो जाएगा, कगार का क्या होगा, निवर्तन यानी पीछे की हो जाएगा ये कगार, तो समय के साथ क्या होगा, ये ऐसे से कगार जो है अपने अपना हटता जाएगा, ये इधर का हिस्सा इधर हटेगा और इधर का हिस्सा इधर हटेगा, ऐसे इधर का हिस्सा इधर हटेगा और बीच का इधर का हिस्सा ये इधर हटेगा। ठीक है, ये आपको मान लो ये आधार रेखा हो गया, आधार रेखा क्या होती है, जो सागर तल होता है आपका लगभग वही होता है, या फिर जिसमें कोई नदी मिलती है उसी को बोलते हैं ना आधार रेखा। ठीक है, तो ये आपका समय के साथ अपरदित हो जाएगा, तो समय के हजारों सालों के बाद कैसे दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा, समय के साथ ये अपरदित होकर के ऐसा बन जाएगा आपका ये। ठीक है, ये तो समय के साथ अपरदित होकर ऐसा बन जाएगा ये क्या बन गया, अवतल है ना ढाल, अवतल ढाल के पेडी प्लेन बन जाएंगे, अवतल ढाल के पेडी प्लेन। ठीक है, एलसी किंग हैं, इन्होंने जो मैदान बने हैं उनका नाम क्या दिया है, पेडी प्लेन। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसने क्या नाम दिया है, पेंग ने क्या नाम दिया है, ठीक है, और क्या बोलते हैं डेविस ने क्या नाम दिया है, तो सबने अलग अलग जो नाम दिए हैं तो उनको याद रखना एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपकी जो होगी ढाल की संकल्पना का टॉपिक भी आपका आज कंप्लीट हो गया बिल्कुल। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, इसमें कुछ है नहीं खास क्योंकि पीछे के टॉपिक से संबंधित है, अगर आपको डेविस और पेंग अच्छे से आता है तो उसके बाद ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे क्या करें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दें, और जो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू।